ये लिखा हुआ है कुलधारा। तो गाइस ये है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे भूत वगैरह रहते हैं इस गांव में। मुझे तो पता नहीं है गाइस, मैं तो पहली बार आया हूँ, तो इस गांव में चलते हैं। ये गांव भी पहले बसा करता था, बस्ती वगैरह रहा करती थी, मगर अब जो है बंजर पड़ा ये गांव सारा। तो गाइस इस समय जो हम यहीं पर हैं, ये कब्रिस्तान थे थोड़े से बने हुए, तो यहाँ से जो हम जा रहे हैं कुलधारा गांव जाना है बाइक राइड करते हुए। तो गाइस कुलधारा में जो है 175 साल पहले वो वीरान हो गया था सारा, तो वहां पे जाने वाले हैं हम और राइड करते हुए जाएंगे, आपको भी दिखाते जाएंगे कैसे कैसे जाएं जैसलमेर से। जैसलमेर से लगभग 15-16 किलोमीटर है, मुझ में भी राजस्थान वाली भाषा आ रही है थोड़ी सी इन्हें देख देख के, तो कोई बात नहीं। वहाँ से 15-16 किलोमीटर सारा है यहाँ से, तो चलते हैं हम अब सीधे। गाइस हेलमेट में कैमरा जो है सेट कर लिया है और हम सीधे यहाँ से चलते हैं अब कुलधारा के लिए। तो जो गाइस यहाँ से कुलधारा जो बताइए 15-16 किलोमीटर है जैसलमेर से। वैसे हमारा प्लान तो सीधा बॉर्डर पर जाने का था, तो आप गाइस बॉर्डर पर नहीं जा रहे क्योंकि पहले कुलधारा करते हैं क्लियर। कुलधारा क्लियर करने के बाद उसके बाद जो हम बॉर्डर कल पहुँचेंगे। तो जो है गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, और जो गाइस चलने सीधे अब। और वहाँ से आगे आसम पड़ता है, वहाँ पे रेत वगैरह और ऊँट वगैरह बहुत हैं, तो हवा जो काफ़ी तेज़ चल रही है, आगे वीडियो शूट कर पाऊँगा थोड़ी। तो गाइस यहाँ पे कुलधारा जो है 16 किलोमीटर नहीं है, पूरे 18 किलोमीटर है, बोर्ड पर मैंने अभी पढ़ा है। तो कुलधारा चलते हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 मिनट लगेंगे कुलधारा पहुँचने में। चलते हैं थोड़ी बाइक खींचते हैं अपनी। तो गाइस लगभग कुलधारा जो यहाँ से है 10 किलोमीटर रह गई है अभी, और खींचूँगा गाड़ी को और कुछ नहीं खींचूँगा। तो जो गाइस पवन चक्की जो बहुत घूम रही हैं यहाँ पर, बहुत सारी यहाँ आ गए, और जब मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ जैसलमेर के गांव वगैरह और दुकान वगैरह मैं दिखाता हुआ जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लोग रहते हैं, डिश वगैरह भी लग रही है लोगों का इस घरों में, और मैं ये सोचता हूँ लाइट वगैरह कहाँ से आती होगी यहाँ पे इतने रेगिस्तान में, कहीं से ना कहीं से तो जुगाड़ होगा, अंदर बॉन्डिंग होगा, जैसे पानी का जुगाड़ है यहाँ पर वैसे ही होगा भाई। कुलधारा पहुँचना है, कुलधारा में ऐसा बताया जाता है जैसे गाइस एक रात में पूरा गांव जो है खाली हो गया था, भूतों का कब्जा हो गया उस गांव पे, तो जो है पहुँच के पता चलेगा और क्या होता है वहाँ पर क्या नहीं। वैसे हमारा प्लान आज का जैसलमेर में ही रुकने का था, मगर हमने सोचा कुलधारा चलते हैं, कुलधारा देखते हैं पहले, उसके बाद कहीं भी रुक लेंगे रास्ते में। और खाना वाना जो पैक करा नहीं करना, खाना पैक करा नहीं करना कहीं भी। कुलधारा जाओ सर, कुलधारा आप सीधे से चले जाओ, दो फाटा फटी एक छोड़ देना, आगे वाला ले ले आगे वाला, बढ़िया नीचे यार पहिया नोट। कितनी दूरी पे पड़ा है इधर से? 5-6 किलोमीटर है, कुलधारा लिखा हुआ होगा बोर्ड पर सीधा। देखो यूँ सीधे ऐसे चले जाओ आगे 5-6 किलोमीटर, अपने आप बोट आएगा ऐसे मोड, कुलधारा उस पर लिखा। इधर को जाना सर? हाँ सीधे से चले जाना, एक ये फैन चल रहा है ना फैन, इससे आगे जो एक फाटा है ये आएगा, ये छोड़ देना आगे चला जाना सीधे सीधे। तो गाइस हमने जो पूछा कुलधारा के लिए, वैसे मिल ही जाता, मैंने पूछ ही लिया थोड़ा, मैं कह रहा थोड़ा पूछने में दिक्कत क्या है, मतलब जा रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आराम से पूछो कोई नहीं है। तो जो गाइस सब चलते हैं सीधे कुलधारा के लिए, आगे चलता है आगे लोग हैं, मतलब वही मोड़ होते हैं तो फोन पे से होगा, तो चलते हैं गाइस। और गाइस सामने आप देखिए पवन चक्की कितनी चल रही है, और कुलधारा के लिए हमें सीधे जाना है इस कुलधारा से, यानी मतलब कुलधारा के लिए इधर को जाना है, फिर आगे जो है आगे से एक मोड़ और पड़ेगा, तो फिर उससे लेना है लेना। तो जो है देखिए कितनी सारी है ये पवन चक्की चल रही है सामने देखिए आप, और हवा जो बहुत बिगट चल रही है गाइस, काफ़ी रफ्तार से हवा है, मेरी आवाज़ भी आ रही होगी ना आ रही होगी सही ये पता नहीं। तो देखिए गाइस सामने चल रही है पवन चक्की, तो चलते हैं आगे।
गाइस यहाँ से कुलधारा जो है 4 किलोमीटर है, कुलधारा। तो चलते हैं भूतों के गांव, देखते हैं भूतों के गांव को, और वहाँ का ब्लॉग जो है पूरा आपको अगले उसमें मिलेगा। ये तो अपने जैसलमेर से कुलधारा तक की राइड रहेगी गाइस। तो ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो यार गाइस, प्लीज़ प्लीज़ लाइक करो जल्दी से। तो चलते हैं कुलधारा, आप समझते हैं कुलधारा नहीं। तो गाइस यहाँ से कुलधारा जो 1 किलोमीटर है, और अब चलते हैं ब्लॉग बनाते हुए सीधे, और जैसलमेर 17 किलोमीटर यहाँ से, यानी मतलब बोर्ड पर सही लिखा हुआ था कुलधारा 18 किलोमीटर। तो जो है जल्दी जल्दी गाड़ी चलाइए गाइस, तो जल्दी जल्दी आप पहुँचे हैं कुलधारा घूमेंगे। 1 घंटे लगभग 5:13 हो गए हैं गाइस, तो 5:13 देखते हैं क्या पता भूत ना मिल जाए कुलधारा में, देखते हैं क्या होता है, घूमना मिलता है कुलधारा या नहीं मिलता है। और जो है ब्लॉग वो अलग से आ गया, ये अपना राइड का ब्लॉग रहा। तो जो गाइस प्लीज़ ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एकदम से। तो जो है क्या बताऊँ मैं गाइस, ये देखिए यहाँ पे मुझे एक बात पसंद आई गाइस, यहाँ पे पत्थर काट काट का जो घर बना रखे हैं ना, बड़े बढ़िया घर बना रखे हैं, इतने अच्छे घर हैं, यानी मतलब ताजमहल भी फेल है गाइस, इतने बढ़िया घर बने हुए हैं सामने देखो। और डिज़ाइन सफाई इतनी है गाइस, कोई ये नहीं कह सकता भाई चिनाई हुई हुई गलत है या बेकार है, बिल्कुल इकसार, आँख में मैल मिल सकता है मगर घर में मैल नहीं मिल सकता बाहर से, इतनी सफाई है गाइस। तो आप आए हो कभी राजस्थान इधर रेगिस्तान वगैरह में तो आपने देखा ही होगा गाइस। तो अब चलते हैं कुलधारा सीधे, किधर है कुलधारा मिल जा भाई, अब तो लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर रही होगी कुलधारा, क्योंकि मैं भी काफ़ी दूर निकल ही आया हूँ। भेड़ बकरी इधर भी चुगाई जा रही हैं, गाय वगैरह तो ऐसे ही समझ लो छुटी हुई हैं सारी गाइस। और ये जो है फैन वगैरह बोलते हैं ना अपनी तरफ से, पंखे बोल देते हैं, फैन बोल देते हैं, इधर पवन चक्की बोलते हैं। तो गाइस पवन चक्की में जो है ये लाइट बनाती है, इससे लाइट बनती है, फिर उसके बाद जाती है कुलधारा जीरो। तो कुलधारा जीरो है, कुलधारा इधर को चलेंगे, कुलधारा हो गई समाप्त, तो इधर को चलते हैं कुलधारा। ये लिख रहा है एक यहाँ पे है कुलधारा, ये लिखा हुआ है कुलधारा गाइस। तो गाइस अपना ड्रीम रहता है ऐसी ऐसी जगह पे जाने में, घूमने में इंटरेस्टिंग आती है। तो हम पहुँचे हैं, आप पहुँचे हैं कुलधारा, ये आपको मैंने अभी दिखाया था, ये लिखा हुआ है कुलधारा। तो गाइस ये है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे भूत वगैरह रहते हैं इस गांव में, मुझे तो पता नहीं है गाइस, मैं तो पहली बार आया हूँ तो इस गांव में। चलते हैं, ये गांव भी पहले बसा करता था, बस्ती वगैरह रह करती थी, मगर अब जो है बंजर पड़ा है ये गांव सारा, तो देखते हैं। और ये वाला हमारा जो है राइड का ब्लॉग रहा इतना ही, तो अब जो है कुलधारा का ब्लॉग अलग से मिलेगा आप लोगों को।